हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं डिजिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और टॉपिक हमारा चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनाएंगे एट द टाइम ऑफ डिजिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हमने अपने लास्ट वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट के दो स्टेप्स किए, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट स्टेप नंबर वन, क्लोजिंग द एसेट्स एंड सेकेंड क्लोजिंग द लायबिलिटीज अकाउंट्स। स्टूडेंट्स जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज बुक्स में गिवेन है, बैलेंस शीट में गिवेन है, हमने उन सभी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जो भी सेलेबल एसेट्स हैं कन्वर्टेबल इंटू कैश हैं उनको हमने डेबिट में ट्रांसफर किया। लायबिलिटीज पेबल टू थर्ड पार्टी, हमने चूंकि क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर किया। और इस तरह से एसेट्स अकाउंट और लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करते समय जिन पॉइंट्स को नोटिस करना है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। थर्ड स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर क्लोज कर दिया, देन थर्ड स्टेप कम्स रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं अब हम उनको रियलाइज करेंगे। एसेट्स को जब रियलाइज करेंगे देन एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टूडेंट्स समटाइम्स एनी पार्टनर में एग्रीड टू टेक एनी एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिजिलेशन। इफ एनी पार्टनर टेक एनी एसेट्स देन एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो अगर कैश में रियलाइज करते हैं कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा, अगर पार्टनर एसेट्स लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एसेट्स को रियलाइज करने की जो एंट्री हम लोगों को पास करनी है, नोटिस करिए, रिकॉर्डिंग ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स शुड बी गिवन विद रियलाइज्ड वैल्यू। जिस वैल्यू से हम एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं उस वैल्यू से रिकॉर्ड करना है। ओके, बुक वैल्यू जो भी हो हमने ट्रांसफर किया बुक वैल्यू से, बट रियलाइज करेंगे रियलाइज्ड वैल्यू से। ओके, यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं बिल्डिंग ये सब डेबिट में ट्रांसफर किया, रियलाइज करेंगे क्रेडिट में। बिल्डिंग रियलाइज किया हमने यहां पे लिखा बाय कैश और बैंक, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड, बिल्डिंग से रियलाइज हुआ 4 लाख, बुक वैल्यू 3 लाख था बट नाउ इट रियलाइज रुपी 4 लाख, तो 4 लाख से हमने रिकॉर्ड किया है। मशीन 1 लाख का था बट नाउ वी रियलाइज रुपी 80,000। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर जब एसेट्स को रियलाइज कर रहे होंगे तो रियलाइज वैल्यू के रिगार्डिंग आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हो सकती। जैसे बिल्डिंग के केस में आपको बता दिया बिल्डिंग रियलाइज एट रुपी 4 लाख, बट रिगार्डिंग मशीन इट इज गिवन दैट मशीन रियलाइज 20% लेस देन बुक वैल्यू। सो 1 लाख का 20% 20,000 लेस रियलाइज हुआ है, लेस करेंगे माइनस करेंगे 1 लाख माइनस 80,000। इसी तरह से डेटर्स हैं, डेटर्स 20,000 के आपको बताया दे आर बैड डेट्स ऑफ रुपी 2,000। अब बैड डेट्स 2,000 है तो 2,000 से रियलाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 2,000 तो बैड डेट्स हुए हैं। इट मीन वट अमाउंट वी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स 20 माइनस 2 18, सो डेटर्स 18,000। ओके, इस तरह से रियलाइज वैल्यू। अगर कोई एसेट्स पार्टनर ने ली है जैसा कि मैंने आपको बताया, देन मान लीजिएगा यहां पर फर्नीचर है, फर्नीचर पार्टनर बी एग्री टू टेक फर्नीचर एट रुपी 30,000, सो 30,000 से बाय बीज कैपिटल ब्रैकेट में जो भी एसेट्स ली है। यहां पर जब कैश और बैंक से रियलाइज कर रहे होंगे बिकॉज मल्टीपल एसेट्स हैं
तो हम उनको इनर कॉलम में लिखकर एक ही बार उनका टोटल कर टोटल को कैरी करेंगे मेन अमाउंट के कॉलम में. ओके, देन कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट्स इट विल बी एज्यूम दैट नथिंग इज रियलाइज फ्रॉम दैट एसेट्स. स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कुछ एसेट्स हैं क्वेश्चन में बट उनके रियलाइज करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, नथिंग इज स्टेटेड, नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन दैट हाउ मच रियलाइज फ्रॉम दैट एसेट्स, वी विल एज्यूम दैट दैट एसेट्स कुड नॉट बी रियलाइज एनी अमाउंट और हम उसकी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. इस पॉइंट को भी मैं लेटर ऑन दोबारा से डिस्कस करूंगा. देन नेक्स्ट, इफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज सम मनी इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सम एसेट्स में बी देयर विच आर अनरिकॉर्डेड विच आर कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स. इफ सच एसेट्स रियलाइज एनी अमाउंट देन देट विल बी रिकॉर्ड इन क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट लाइक टू रियलाइजेशन ऑफ रिकॉर्डेड एसेट्स. हमारे यहाँ पे जब एसेट्स रियलाइज कर रहे थे एक ओल्ड कंप्यूटर सेट था जिसको हमने बुक से कंप्लीटली सेट ऑफ राइट ऑफ कर दिया था, बुक्स में उसका कोई वैल्यू नहीं था. जब कोई वैल्यू नहीं था तो हमने उसको यहाँ ट्रांसफर भी नहीं किया, बट नाउ इट रियलाइज रुपी 2000. हमने यहाँ रिकॉर्ड किया ओल्ड कंप्यूटर 2000. तो इस तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और उससे कुछ रियलाइज होता है तो रियलाइज करने के लिए हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिकॉज ट्रांसफर तो केवल बैलेंस शीट की आइटम्स को ट्रांसफर किया है और बैलेंस शीट में ये शो किया ही नहीं हुआ था. ओके, तो रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप पर आ जाइएगा, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 4, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. नाउ वी रियलाइज एसेट्स, एसेट्स को रियलाइज कर हमारे पास कैश है, फंड्स है. अब हम लायबिलिटीज को पे करेंगे. जब लायबिलिटीज को पे करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटीज को पे करने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. अगर हमने लायबिलिटीज को कैश में सेटल किया है तो टू कैश और बैंक. ओके, बट अगर किसी लायबिलिटीज को पार्टनर ने ले लिया, पार्टनर एग्री होता है टू पे ऑफ, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. रियलाइजेशन डेबिट होगा, कैश में पे कर रहे हैं, बैंक चेक से पे कर रहे हैं, कैश और बैंक. पार्टनर ने लिया है, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. ओके, देन रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज विल बी गिवन एट द बुक वैल्यू. किस वैल्यू से रिकॉर्ड करना है, नॉट एट बुक वैल्यू बट वैल्यू विच इज पेड विच इज गिवन टू सेटल द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए जो अमाउंट हमने पे किया है हम उस वैल्यू से रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे. ओके, देन जैसे जितने भी लायबिलिटीज हमने क्रेडिट में ट्रांसफर किए, पे किया, यहां पर हम लिखेंगे टू कैश और बैंक, ब्रैकेट में लायबिलिटीज पे. क्रेडिटर्स 28,000 के हैं, 25 पे किया, क्वेश्चन में गिवन है 25, 30 बोला होता 30, जो भी क्वेश्चन में गिवन है. देन बैंक लोन 50,000, आपको बताया बैंक लोन इज सेटल्ड विद इंटरेस्ट एट रुपी 55,000, 55 में पे किया, सेटल किया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, जो भी क्वेश्चन में गिवन था रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज हमने उनको यहां पर रिकॉर्ड किया है. ओके, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चन. देन नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इज देयर देन इट विल बी पेड एंड रिकॉर्डेड इन डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. स्टूडेंट जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे और अगर रियलाइज हुआ हमने उनको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया, बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं
तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को भी पे करना होगा एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। मान लीजिएगा क्वेश्चन में आपको गिवेन है देयर इज ए लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रुपी 2000 विच वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स बट नाउ इट इज मेटेरियलाइज। 2000 का कोई लाइबिलिटीज है वर्कमैन कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग, उसके लिए हमने कोई प्रोविजन नहीं बना रखा था बट अब उसे पे करना है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जनरेट हुई। हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2000 रुपीज, जितना भी पे किया है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटीज देन इट विल बी एज्यूम दैट दैट एसेट दैट लाइबिलिटी इज पेड इन फुल। स्टूडेंट्स, एसेट्स के रिगार्डिंग अभी हमने पॉइंट किया कि अगर किसी एसेट्स के रियलाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, हम ये मानेंगे कि उस एसेट से रियलाइज नहीं हुआ, बट लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग उल्टा है। लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग आपको स्वयं को चेक करना होगा, अगर कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में किसी लाइबिलिटीज के पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानकर चलेंगे कि दैट लाइबिलिटीज इज सेटल्ड एट द बुक वैल्यू और एट पार, मीन्स लाइबिलिटीज को पे किया है और बुक वैल्यू पर पे किया है और उसकी रिकॉर्डिंग हमें करनी होगी। इस पॉइंट को अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। देन अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, नोटिस करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इफ एनी लाइबिलिटीज इज सेटल्ड by giving any assets then no treatment no entry will be given for realization of assets and payment of that relevant liabilities। मैंने यहाँ पे नोट किया है, if any liabilities is settled by giving any assets then no recording will be made for realization of that assets and payment of that liabilities। उस एसेट्स को पे करने और लाइबिलिटीज को एसेट्स को रियलाइज करने और लाइबिलिटीज को पे करने के रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं बनानी है, ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। जैसे हम यहां मान लेते हैं कि जो एसेट्स है इन्वेस्टमेंट्स, एक हमारे पास एसेट्स है 25,000 बुक वैल्यू का और यहां पर एक लाइबिलिटीज है लोन फ्रॉम राम 20,000 का। आपको क्वेश्चन में बताया गया लोन फ्रॉम राम इज सेटल्ड बाय गिविंग इन्वेस्टमेंट्स, लोन फ्रॉम राम इज सेटल्ड बाय गिविंग इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज करने का इधर में और इस लाइबिलिटीज का लोन फ्रॉम राम को पे करने का इधर में कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। स्टूडेंट नोटिस करिएगा कि बेशक दोनों के वैल्यूज अलग अलग हैं, लोन फ्रॉम राम 20,000 का है, लाइबिलिटीज 20 का है, इन्वेस्टमेंट्स 25 के हैं, फिर भी जब फुल सेटलमेंट में दिया गया है कोई एंट्री नहीं बनानी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। या तो हम ये यहां पर ये मानकर चल रहे होंगे कि लोन फ्रॉम राम 25,000 पे करना था और उसके बदले में 25,000 की इन्वेस्टमेंट दे दी, ओके 5,000 एक्सेस पे किया लॉस। या फिर हम ये मानकर चलेंगे कि लोन तो 20 का ही था बट उसको सेटल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट दिए उन इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू 20,000 था, मार्केट वैल्यू 20,000 है तो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू 5,000 रिड्यूस हो गया तो भी लॉस। तो अल्टीमेटली कुछ भी माने लॉस ही होगा और ऑटोमेटिकली 5,000 से आप देख रहे हैं 20 क्रेडिट में 25 डेबिट में 5,000 डेबिट हुआ नेट लॉस। तो इन सिंपल आपको जब फुल सेटलमेंट में अगर कोई लाइबिलिटीज को सेटल किया हो बाय गिवन एनी एसेट्स कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, बट if any liabilities is settled partly by giving some assets and partly by cash then only cash part will be recorded in debit of realization account।
इसके अपोजिट किसी लायबिलिटीज को सेटल किया गया कैसे, पार्टली बाय गिवन एनी एसेट्स, पार्टली गिवन बाय सम एसेट्स एंड पार्टली इन कैश, देन ओनली एंड ओनली कैश पार्ट विल बी रिकॉर्ड। जैसे इसी में हम लोग मान लेते हैं कि लोन फ्रॉम राम 20,000 का एंड लोन फ्रॉम राम इज सेटल्ड बाय गिवन इन्वेस्टमेंट्स एंड रुपीज 7,000 इन कैश, 7,000 इन कैश, पार्टली इन्वेस्टमेंट दे दिया और पार्टली इन कैश, तो आप यहां पर 7,000 कैश को रिकॉर्ड करेंगे, ओके okay? और एंट्री क्या बन जाएगी यहां पर, लोन फ्रॉम राम 7,000 बिकॉज कैश में पे किया है इस तरह से। अब यहां पर भी वही बात आ रही है, आप ये मत सोचिए कि सर इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी 25,000 के, लोन 20 का है, इन्वेस्टमेंट्स 25 के, पहले ही हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा के दे रहे हैं और ऊपर से कैश भी दे रहे हैं। हमने यहां पर ये माना होगा कि या तो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कम रहा होगा, मार्केट वैल्यू कम रहा होगा, या फिर जो लोन फ्रॉम लायबिलिटीज 20 लोन फ्रॉम राम है 20, वो 20 का नहीं, कहीं ना कहीं उसको एक्सेस ज्यादा अमाउंट पे करना है, तो जस्ट कैश पार्ट को आप रिकॉर्ड करिएगा जो कैश में पे किया है, ओके क्लियर। अब आप दो पॉइंट्स पर आ जाइएगा, हमारे लगभग लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, जो दो पॉइंट मैंने आपको बाद में डिस्कस करने के लिए बोला। लायबिलिटीज मैंने कहा अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटीज, आपको स्वयं को चेक करना होगा, अगर इस तरह का कोई लायबिलिटीज बचता है तो आप उसको पे करेंगे एट देयर बुक वैल्यू। लायबिलिटी साइड में चेक करिएगा, मिसिज एज लोन पार्टनर ने ले लिया, बीपी क्वेश्चन बीपी के रिगार्डिंग साइलेंट है, इट मीन क्या बीपी को पे नहीं किया, नो किया है, क्वेश्चन साइलेंट है टू बैंक और कैश बीपी, और कितना पे किया एट द बुक वैल्यू 10,000, गॉट इट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने पे कर दिया, लोन फ्रॉम राम हमने सेटल किया बाय गिविन एसेट्स और इन कैश, बैंक लोन सेटल हो गया, क्रेडिटर्स पे कर दिया, दो आइटम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एसेट्स पर बनाए गए रिजर्व्स हैं, ये इनका कुछ नहीं करना, ये लायबिलिटीज नहीं है, ये जस्ट एसेट्स को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करने के लिए हमने ट्रांसफर किया था, ये लायबिलिटीज नहीं है, इनको पे नहीं करना। तो लायबिलिटीज आपने चेक कर लिए, अगर इस तरह से कोई लायबिलिटीज के पेमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट था, हमने माना कि बुक वैल्यू पर उसे सेटल किया है, रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से एसेट्स के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट्स, हम ये मानकर चलेंगे कि उस एसेट से रियलाइज नहीं हुआ है, ओके कैसे, लेट अस सी। यहां पर बिल्डिंग रियलाइज हुआ, मशीन रियलाइज हो गया, स्टॉक पार्टनर ने स्टॉक को स्टॉक 50,000, स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट है, हम ये मानकर चलेंगे कि स्टॉक से हमको कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ होगा, स्टॉक से रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। डेटर्स हमने रियलाइज कर लिए, गुडविल 10,000 क्या मानेंगे, हम ये मानकर चल रहे होंगे कि गुडविल से भी रियलाइज नहीं हुआ, बिकॉज क्वेश्चन में इनके रिगार्डिंग कुछ नहीं बताया, अगर बताया होता तो हम लोग इसी तरह से रिकॉर्ड करते। देन फर्नीचर पार्टनर ने ले लिया, इन्वेस्टमेंट्स हमने सेटल किया लोन फ्रॉम राम को इस तरह से, ओके गॉट इट। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एसेट्स को रियलाइज करेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे, फोर स्टेप्स हमारे यहां पर फिनिश होते हैं।
फिफ्थ स्टेप हमारा आता है रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड एट लास्ट अंडर सिक्स्थ स्टेप बैलेंसिंग द रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंसिंग द रियलाइजेशन अकाउंट. ये रिमेनिंग लास्ट टू स्टेप्स वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियो. तब तक आप इनको समझें. ओके, थैंक यू.